हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त आपका अपने यूट्यूब चैनल हेलो PWD में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, आज हम दिखाएंगे कि हम एसी का टेस्टिंग कर रहे हैं। देखिए, हमारा जो सामने पूरा वायर दिख रहा है, ये हमारा पूरा एसी का है। तो एसी का हम टेस्टिंग कर रहे हैं। नीचे वायर रखा है फोल्डिंग पे, ऐसा पूरा वायर है। सिंगल फेस का जो एसी है इनडोर का, उसको हम टेस्टिंग कर रहे हैं। देखिए, इस पर मार्किंग भी लिखा है। देखिए, इस पर लिखा है AC1 आदि जगह। इस पर देखिए लिखा है B10 AC1 मास्टर बाथरूम। इसके देखिए लिखा है AC1 R2। तो ऐसा टेस्टिंग हुआ है। हमारा मीटर भी सामने है। अभी हम मीटर से चेक करेंगे, कंटिन्यूटी इसका चेक करेंगे। ओके, तो कैसे चेक करते हैं उसका भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए, हमारा जैसे मीटर से कैसे हम चेक करते हैं, जैसे हमारा मीटर देखिए अभी कंटिन्यूटी पे लगाया है। ये हमारा कंटिन्यूटी, ये जो मार्किंग होता है हमारे कंटिन्यूटी का होता है, और ये हमारा दो इसका हो, इससे चेक करते हैं। ये हमारा जैसे ही हम जैसे हमारा देखिए B10 AC1 मास्टर बाथरूम का एक सर्किट है। B10 AC1 मास्टर बाथरूम का एक सर्किट है। इसको अगर हम चेक करेंगे शॉर्ट है कि नहीं है, तो जो AC का इनडोर है वहाँ पर जाके हम फेस और न्यूट्रल शॉर्ट करते हैं, तो यहाँ पर बीपिंग होता है। तो जैसे देखिए हमारा है, जैसे हम शॉर्ट करेंगे तो ऐसा बीपिंग होगा, उधर आवाज़ आ रहा होगा आपको। देखिए हमारा 0-0 होगा, सेम ऐसे ही। जैसे हम उधर जैसे हम ये जो B10 मास्टर बाथरूम का लिखा है ना, वो उधर फेस न्यूट्रल शॉर्ट करेंगे तो इधर हम टच करेंगे इसमें। ये हमारा फेस और न्यूट्रल है, तो इसमें दोनों मीटर का दोनों मुंडी इसमें शॉर्ट करेंगे। अगर वो शॉर्ट रहेगा तो बताएगा, अगर शॉर्ट नहीं रहेगा तो ये मीटर नहीं बीपिंग नहीं करेगा। तो ऐसे ही मीटर से हम चेक करते हैं। ओके, तो हम मान जाएंगे कि हमारा वायर ओके है। और अगर शॉर्ट नहीं किया है फिर भी बता रहे हमारा मीटर, तो समझ लीजिए कि हमारा वायर शॉर्ट है, इसके लिए बता रहे। ओके, तो ऐसे ही मीटर से चेक करते हैं वायर। अभी मैं आपको चेक करके दिखाऊँ। देखिए, जैसे मैं एक फेस में लगा दिए हूँ वायर। देखिए फ्रेंड, जैसे मैं एक फेस में वायर लगा दिया हूँ और दूसरा न्यूट्रल में मैं टच करेगा, तो अगर शॉर्ट रहेगा तो ये बीपिंग करेगा, नहीं शॉर्ट रहेगा तो बीपिंग नहीं करेगा। ओके, देखिए देखते हैं। तो हमारे शॉर्ट नहीं है, बस बीपिंग भी नहीं करता, बज भी नहीं रहा है, और इसका बस रीडिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब है जो एसी का जो हम आउटलेट लगाते हैं ना, जो मशीन में कनेक्शन होता है, वो स्विच ऑफ करके अगर चेक करेंगे तो रीडिंग भी नहीं बताएगा जब तक शॉर्ट नहीं रहेगा। तो उधर स्विच ऑन है एसी का आउटलेट का, इसके लिए यहाँ पे रीडिंग बता दें। ओके, देखिए फिर एक बार आपको दिखाता हूँ। अभी शॉर्ट नहीं, बीपिंग नहीं करेगा, बस रीडिंग बताएगा। ये रीडिंग जो बताता है, बस ये एसी का जो आउटलेट होता है उसके वजह से बताता है। तो ऐसा आप लोग कभी चेक करते हैं रीडिंग बताता है, तो ऐसा परेशान नहीं है। आप एक बार एसी का आउटलेट जो होता है उसको स्विच को ऑफ करके चेक करेंगे तो सही है। जब तक उधर शॉर्ट नहीं रहेगा जब तक इधर बीपिंग नहीं करेगा। अगर वायर खींचते समय कहीं वायर डैमेज होगा, शॉर्ट होगा, तब जाकर शॉर्ट बताएगा। ओके, तो ही हम लोग कंटिन्यूसली चेक कर रहे हैं कि वायर शॉर्ट है कि सही है कि नहीं है। ओके फ्रेंड, चलिए अभी दूसरा चेक करके हम बताएंगे। तो लोग शॉर्ट किया है तो अभी मैं चेक करेगा तो बीपिंग करेगा। देखिए आवाज़ आ रहा है आपको। ओके, तो वो तो शॉर्ट किया तो इधर बता रहा है, अभी ओपन करेगा तो फिर नहीं बताएगा। ओके फ्रेंड, अभी ओपन करने के लिए मैं उसको बोलता हूँ, वेट। देखिए फ्रेंड, मैं आपको एग्जांपल के लिए एक बता रहा हूँ। जैसे मैं एक वायर लिया है, देखिए ब्लैक वायर है, ये हमारा ब्लैक वायर है, ये दूसरा मुंडी इसका इधर है, पहला मुंडी इधर। मैं पहला मुंडी में शॉर्ट किया हूँ और दूसरा मुंडी में शॉर्ट करके आपको दिखाऊंगा। बस एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ कैसे चेक करते हैं। जैसे हमारा एक मुंडी ये हो गया, दूसरा मुंडी हमारा ये हो गया, तो इसमें हम शॉर्ट करेंगे तो देखिए बीपिंग बताएगा। देखिए हम इसको शॉर्ट करेंगे तो बीपिंग बताएगा। देखिए जो पहला मुंडी हो, दूसरा मुंडी है, तो हमारा ये मीटर है। एक मिनट, मीटर को भी नज़दीक रख लेता हूँ, उसके बाद आपको देखने में अच्छा होगा। देखिए हमारा मीटर है, हमारा पहला मुंडी वायर का, ये हमारा ब्लैक वायर है, ये इधर है। देखिए देखिए बता दो, ओपन किया, फिर शॉर्ट करेगा इसका। ये हमारा इधर है, अभी नहीं, अभी बता दें, ओपन कर दिया। फिर देखिए अभी शॉर्ट करेगा, देखिए बता दें, ओपन किया, शॉर्ट किया।
तो ऐसा चेक करते हैं कंटिन्यूटी मीटर से कि वायर सही है कि नहीं है। अगर ये भी दो तीन वायर इसके साथ खींचे रहते एक पाइप में, अगर तीनों वायर आपस में शॉर्ट होता है या डैमेज होकर अगर आपस में शॉर्ट हो जाता तो नहीं शॉर्ट करते हम लोग इधर तो भी कंटिन्यूटी बताता। तो अभी हम शॉर्ट करेंगे तो कंटिन्यूटी बताएगा, तो मतलब हमारा वायर सही है। शॉर्ट करने पर कंटिन्यूटी बताता है तो सही है, बिना शॉर्ट के कंटिन्यूटी बताता है तो मतलब हमारा वायर कहीं पर डैमेज है या कहीं पर दो वायर आपस में शॉर्ट है, इसके लिए कंटिन्यूटी बता रहे हैं। तो ऐसे ही मीटर से चेक करते हैं कि कैसा वायर का चेक करते हैं, कैसे उसका शॉर्ट है कि नहीं है, तो मीटर से यही काम करते हैं हम लोग। तो अभी एसी का पूरा टेस्टिंग करने वायर, जैसे आप देख ही रहे हैं ऐसा एसी का पूरा वायर हमारा इधर ज़्यादा वायर है, तो हम पूरा टेस्टिंग कर रहे हैं। ओके, अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा अपने फ्रेंड लोग के साथ। ओके।